वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन। तो वेज मंचूरियन बनाने के लिए मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मंचूरियन को बनाना। तो मंचूरियन बनाने के लिए मैंने ये एक बाउल लिया है। इस बाउल में ये सब चीज़ें हम डालते हैं। तो मैं बता देती हूँ आपको ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये है स्प्रिंग ओनियन, ये मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ग्रेडर से ग्रेट करी हुई गोभी, और ये है बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। तो इसको हम इस बाउल में डाल देंगे सारी सब्जियों को। और अब हम इसमें डाल देते हैं हल्का सा नमक, ताकि इसमें अच्छे से मॉइस्चर जो है रिलीज हो जाए। नमक को मिक्स कर देंगे इसमें। अगर आपके पास गाजर है तो आप उसको भी कट करके डाल सकते हैं। तो मैंने नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर हम इसका पानी निकाल लेंगे 5 से 7 मिनट के बाद। तो अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो तब तक सब्जियां जो है रेस्ट कर रही हैं, तो तब तक हम बना लेते हैं उसकी सॉस, तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक बाउल में 3 चम्मच डाला है टोमेटो सॉस, ये है सोया सॉस, तो इसको भी मैंने 3 चम्मच डाल दिया है, और ये है ग्रीन चिली, तो इसको भी मैं 2 चम्मच डाल देती हूँ। और इसको मिक्स करके हम रख देंगे। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और इसको भी रेडी करके हम रख लेते हैं, ताकि बाद में हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब साथ ही हम दूसरे बाउल में 2 चम्मच देंगे हम कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है आपके पास तो आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका हम बैटर बना के रख देते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो इसका बैटर बना के हम रख देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं और ये सब्जियों में से जो है ये पानी रिलीज होने लगा है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे बाउल में इसको हथेली की सहायता से इसका सारा पानी निचोड़ कर दूसरे बाउल में रख लेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए और पूरा ड्राई होना चाहिए, ताकि बॉल्स जो हैं वो अच्छे से बन जाएं। ऐसे हथेलियों की सहायता से आप इसका सारा पानी निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच मैदा। दो चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आप इसका पानी नहीं निकालते तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती बॉल्स बनाने में, तो इसलिए पहले मैंने इसको ड्राई कर दिया था। टेस्ट को एनहेंस करने के लिए मैं डालूंगी थोड़ी सी टोमेटो केचप और थोड़ी सी बिल्कुल सोया सॉस। स्वाद अनुसार नमक, और इसको हम हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी जो है बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। पानी ऐड करेंगे तो ये मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, जिससे बॉल्स बनाने में दिक्कत आएंगी। तो दोस्तों मंचूरियन का डो एकदम तैयार है। अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसकी बॉल्स बन जा रही हैं। अगर आप इसको गीला करते तो बॉल्स नहीं बन पाती। तो ऐसी बॉल्स बना बना के हम रख लेते हैं। थोड़ा सा हाथों में आपको ऑयल ले लेना है,
ऑयल लगाएंगे तो और आराम से इनके बॉल्स जो हैं बन जाएंगे। पहले ये ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल जो है जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम इन बॉल्स को इसमें एक एक करके डाल देते हैं। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है। और अब हम इनको लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को लो रखते हुए हम इसको एक चम्मच की सहायता से हल्के हल्के हाथों से पलट लेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। इस बात का ध्यान रखें कि फ्लेम को हाई नहीं करना है, लो फ्लेम में ही आपको इसको फ्राई करना है, वरना ये बाहर से तो पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखी है। तो मंचूरियन बॉल्स जो है वो फ्राई हो चुकी हैं तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसका तेल निकाल देंगे अच्छे से। सारे मंचूरियन बॉल्स को हम ऐसे ही बना लेंगे। तो दोस्तों सारे मंचूरियन बॉल्स बन चुकी हैं तो चलते हैं अब हम इसकी सॉस तैयार करने। सॉस बनाने के लिए मैंने जो है कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल का यूज़ इसमें ज़्यादा नहीं करना है, करीब 2 से 3 चम्मच ही हम डालेंगे इसमें। तो जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे चॉप करा हुआ लहसुन। लहसुन का यूज़ जो है ज़्यादा करना है। ये है चॉप करी हुई हरी मिर्च। इसको चला देंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं ये स्क्वायर में कट करी हुई प्याज। ये है शिमला मिर्च रेड वाली, इनको भी मैंने स्क्वायर में कट कर दिया था। और ये है शिमला मिर्च हरी वाली। अगर आपके पास सीजन लगी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कर देंगे। ये मैंने लंबे लंबे हिस्से में कट कर दी थी हरी मिर्च, इसको भी हम इसी में डाल लेते हैं। तो लगभग मैंने इसको 2 मिनट के लिए पकाया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये सॉस जो हमने बनाई थी। फ्लेम को अभी आपको लो कर देना है। तो सॉस को जो है आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसलिए अब हम डाल देते हैं ये कॉर्नफ्लोर जिसका हमने मिक्सर बना के रखा था। तो इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको मिक्स कर देंगे।
इसका मिक्सचर डालते ही ये जो है और ज़्यादा गाढ़ापन आ जाएगा इसमें। तो अब हम इसमें डाल देते हैं विनेगर। स्वाद अनुसार नमक। डाल देते हैं पानी। पानी आप अपने अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इंतजार करेंगे इसमें एक खोल आने का। तो इसमें खोल आने देते हैं। तो दोस्तों इसमें खोल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये मंचूरियन बॉल्स। इसको मिक्स कर देंगे और गैस को ऑफ करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई ये हरी प्याज, इससे ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये है चुटकी भर कुटी हुई काली मिर्च, इसको भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और चलिए दोस्तों अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। दोस्तों अब इसको सर्व कर लेते हैं। दोस्तों वेज मंचूरियन बनकर एकदम रेडी है और आप अपने घर में बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करिएगा और मेरे को ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। और नई नई वीडियो ऐसी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।